मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की भी मांग की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लेमिनेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगी। बता दें, यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। तकनीकी टर्म में कहा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पौष्टिकता को चुनौती दी थी। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलीलों में क्या क्या कहा था, जिसमें पहला, ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह। दूसरा, मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा, सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू नहीं होता है। चौथा, मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। पांचवा, जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। छठवा, बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने एक किसी भी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। सातवा, भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है। आठवां, ASI ने इसे नजूल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकारों की खारिज याचिका में पहला, मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलाने जाने योग्य नहीं है। दूसरा, उपासना स्थल कानूनी यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। तीसरा, 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसे है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। चौथा, लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। पांचवा, इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, यह सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।